हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों, मनीषा के दिनचर्या ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज मेरी बेटो आप लोग को कुछ बताएगी, तो आप लोग दोस्तों खुद देख लीजिएगा। मैं पहले नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग खुद देखिएगा तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। सो दोस्तों, चलिए मैं अपनी बेटों के पास जाती हूँ। सो दोस्तों, ये देखिए मेरी बेटो, होली पे इसको दिए थे ये कुर्ता, तो रख दिए थे। ये पहली बार ही फिर से पहनी है। ये जो है कि हाथ में ली तो बोली कि नहीं, मतलब छोरी ही नहीं, इसको पहनना था, जिसको पहना दिए हैं। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो और मेरी बेटो, ए रुक जा, हल्ला नहीं करो। हेलो, बोल के कर रही है, आ जाना आ जाना, बोलो। हेलो हेलो, ये बोल रही है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, यहाँ देखो ना हमको, ऐसे ऊपर हाथ करके कर दो, कर दो, आप कर दो, करो ऐसे ऐसे करो, होने दो, कर दो। मेरा फोन कहाँ है? हेलो कर रही है आप लोग को। सो दोस्तों, तो आज मेरी बेटो ये बहुत दिन बाद पहनी है कुर्ता, इसको ले। हाँ हम कपड़ा निकाल रहे थे इसका, इसको पहनाने के लिए। रुक जा बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, अच्छा रुको। बेटो मोती चुन रही है, बेटो क्या कर रही है? अच्छा सुनो सुनो बेटो, हाथ कहाँ है रे? हाथ रे बेटा, हाथ, वही हाथ है। अच्छा नाक बता दो कहाँ है बेटा? मोती बाद में चुनना, मोती बाद में चुनना बेटा। अरे वाह सब चुनिए लेगी तू। हाँ अच्छा सुनो, हाँ सुनो सुनो सुनो, नाक बता दो बेटा रे, नाक इधर घूम के नाक बता दो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ए रही मेरी बेटो, घास तोड़ ली। घास क्या करेगी बेटा, घास को क्या करेगी, घास को क्या करेगी? हाँ घास को क्या करना है? यहाँ घास, गाय वहाँ थी, वहाँ देना चाहिए ना खाने के लिए बेटा। घास यहाँ ला के रख दी, छिछी लग गया, अब धोने जाएगी। रुक जाओ रुक जाओ, हम जाएंगे, रुक जाओ। अरे वाह, अच्छा सुनो नाक बता दो कहाँ है तुम्हारा नाक? अच्छा मुंह बता दो बेटा, मुंह, मुंह कहाँ है मुंह? दांत बता दो, दांत, दांत कहाँ है बेटा? दांत ऐसे करके दिखा दे बेटो, दांत इधर से, ठीक से वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, आँख कहाँ है बेटा? आँख, आँख ऐसे करके आँख दिखाएगी। अच्छा बाल कहाँ है? बाल, वो है बाल, अरे वाह, हाँ ये है बाल, ये है बाल। हाँ पैर कहाँ है बेटा? पैर, पैर ऐसे करके पैर दिखा रहे, पैर दिखा दो, तो पैर ऐसे करके दिखा रही है। सो दोस्तों, तो ये इतना दिन में ये सब सीखी, आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा। सो दोस्तों, मैं अपनी बेटों को पूछती हूँ नाक कहाँ है, दांत कहाँ है, आँख कहाँ है, बाल कहाँ है, तो सब बता देती है। इतना दिन में ये सब कम से कम तो बता पा रही है। तो सो दोस्तों, आप लोग के अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं तो आप लोग बताइए, सिखाइए कि आँख कहाँ है, दांत कहाँ है। इसको तो मैं सिखाई नहीं हूँ, इसके साथ मैं बचपन से बात करते आ रही थी। जैसे पैर हाथ धोना है या कुछ जैसे बात करना है तो पैर दो, इसको इसको छोड़ दो,
हाथ साफ करो तो आँख तो नाक साफ कर देते हैं। तो ये सब बचपन से बात कर रही थी ना इससे, तो शायद शायद इसीलिए जो है कि इस तभी से जो है कि समझ रही थी तो ये जल्दी सीख पाई है, अपने से समझ ली कि आँख कहाँ है नाक कहाँ है। एक दिन ऐसे बताई तो हम लोग सोचे कि हम लोग तो बताए नहीं है, इसका मतलब है कि तब ये हम लोग बात कर रहे थे तो सीखी है। इसीलिए दोस्तों बच्चा से जो है ना हमेशा अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, और जैसे आप लोग जैसे बातचीत करते हैं बच्चा से तो अब जैसे कितना आदमी बोलते हैं कि ये बोलती कहाँ है जो बात करेंगे, नहीं ये बोलती है। बच्चा बोल पाता है जैसे एक साल का है डेढ़ का है नहीं बोल पा रहा है, फिर भी उससे जो है कि सारा बात करना है दोस्तों, सब बताइए उसको कि ऐसा मत करो वैसा मत करो ये गलत है ये है वो है जो भी गलत है दोस्तों वो बताइए बच्चा को, हमेशा बोलते रहिए तो उससे भी बच्चा समझते हैं। ऐसा मत सोचिए कि बच्चा नहीं बात कर पा रहा है तो ये क्या समझेगी, इसको नहीं बोलना है डायरेक्ट आप कर दीजिएगा कोई जैसे अच्छा काम है या गलत काम है तो इसको बिना बोले कर दीजिएगा, ऐसा मत कीजिए, बच्चा को बोलते रहिए तो बच्चा ऐसे में सीखते हैं जल्दी। सो दोस्तों तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, अरे वाह आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी भी अच्छी लगी आज मैं अपने बेटों के साथ समय बिताई हूँ तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप लोग भी ऐसे ही अपने बेटों के साथ इंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ समय बिताने का। ऐसे तो समय बिताने के लिए बच्चा के साथ बहुत सारा जैसे आदमी बिजी रहते हैं तो समय निकालना पड़ता है दोस्तों, इसलिए आप लोग समय निकालिए और अपने बेटों के साथ समय बिताइए और जितना हो सके अच्छी अच्छी बातें कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय करो एक बार, बाय बाय करो, हाँ देखिए बाय बाय कर दी।